आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, वेलकम टू डाउटनेट। तो आज के हमारे गिवन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल, मेंशन थ्री बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन द जनरेशन ऑफ EMF। तो इस जो सोलर सेल होता है हमारा जनरली वर्क करता है सनलाइट के एनर्जी को कन्वर्ट करता है ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की DC की फॉर्म में। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है हमारा फोटोवोल्टिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो क्या होता है हमारा सोलर सेल्स आर मेड टू बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट। They convert sunlight direct. They convert sunlight to direct current, to direct current, DC current में, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं electricity में भी convert कर देता है। और साथ में इसमें इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, मेंशन थी थ्री बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन द जनरेशन ऑफ EMF। यानी कि होता क्या, जनरली ये हमारा सेल होता है, सोलर सेल होता है, ये पीएन जंक्शन से मिलके बना होता है, पीएन जंक्शन डायोड से, ठीक है। और पीएन जंक्शन जो डायोड होता है वो रिवर्स वाइज होता है, यानी कि ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। तो ये इससे नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो कनेक्ट होता है इस तरीके से कनेक्ट होता है, इससे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। इस तरीके से क्या होता है, जो हमारी डिप्लीशन लेयर होती है इसकी, अगर हमारा एक पीएन जंक्शन है, ये पी है और ये एन है, तो जब ये जंक्शन क्रिएट होता है तब ये डिप्लीशन लेयर इस तरीके से होती है। जब ये रिवर्स वाइज में हो जाता है तो डिप्लीशन लेयर की जो है ये डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो जब हमारी जो इंसिडेंट लाइट है वो एनर्जी इंसिडेंट करेगी इस रीजन पे, डिप्लीशन रीजन पे, क्या कहलाती है हमारी डिप्लीशन रीजन, तो क्या होता है कि ये जो एनर्जी होती है एच म्यू टाइप की एनर्जी होती है। अगर ये एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि ये इस डिप्लीशन लेयर के अंदर में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को क्रिएट कर पाए, तो क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर होते हैं वो जनरेट होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है हमारा जनरेशन का, पहला स्टेप होता है हमारा जनरेशन, सेकंड स्टेप होता है हमारा सेपरेशन, और थर्ड स्टेप होता है हमारा कलेक्शन। तो क्या होता है कि इस जो डिप्लीशन लेयर है इस रीजन के अंदर में जब भी हमारा कोई एक इलेक्ट्रॉन हुआ और एक कोई होल पेयर क्रिएट होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि ये हमारा रीजन कनेक्टेड है बाहर नेगेटिव पॉजिटिव से, तो जो होल है वो मूव करेगा पी टाइप की तरफ, होल जो है वो मूव करेगा इस तरफ, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ मूव करेगा। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, जनरेट होने के बाद में जो पी है वो मूव करना किधर की होल है वो मूव करना स्टार्ट करते हैं पी टाइप की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट करते हैं एन की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव, जो पॉजिटिव बैटरी है टर्मिनल की वो इनको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, और इस साइड का नेगेटिव टर्मिनल इनको अटैक करेगा। इसके बाद में एक कलेक्शन होना शुरू करते हैं, यानी कि इस साइड पे होल 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 इकट्ठे हो जाते हैं, इस साइड पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि होल तो मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो हमारा करंट की डायरेक्शन होती है इधर, यानी करंट हमारा इधर से इधर जाता है, ठीक है, ये हमारी करंट की डायरेक्शन होती है, और इलेक्ट्रॉन हमारे इधर मूव करते हैं, ठीक है, और हमारे जो होल हैं वो भी हमारे किधर मूव करते हैं इस तरफ, ठीक है, कलेक्शन। तो ये हमारे थ्री स्टेप होते हैं, जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।